हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे लिक्विड फंड्स के बारे में। लिक्विड फंड्स ऐसे फंड्स हैं जिसमें जो रिस्क फैक्टर है वो लोएस्ट है, साथ ही में उसका जो वॉलिटिलिटी फैक्टर है वो भी लोएस्ट है, लेकिन उसका जो मेन डिसएडवांटेज है कि वो उसका जो रिटर्न है इट इज़ एज गुड एज सेविंग्स अकाउंट। तो जिन इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है विद द रिटर्न कैपेबिलिटी और रिटर्न परसेंटेज एज गुड एज सेविंग्स अकाउंट, वो जाके लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक एडवांटेज है कि टैक्सेशन में आपको हेल्प करता है, साथ ही में लिक्विड फंड्स में आपको लोएस्ट ड्यूरेशन जो है वो 91 डेज का है। मैक्सिमम ड्यूरेशन अलग अलग स्कीम्स टाइप्स पे डिपेंड रहता है, लेकिन लिक्विड फंड्स का जैसे मैंने कहा रिटर्न्स बहुत ही लोएस्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो वॉलिटिलिटी है वो भी लोएस्ट है, और साथ में उसका जो टाइम ड्यूरेशन है जैसे मैंने कहा 91 डेज का भी आपको मिल सकता है। तो ये प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसका रिटर्न इज एज गुड एज सेविंग्स अकाउंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है लिक्विड फंड्स के बारे में जो आपको समझने चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड्स म्यूचुअल फंड। आने वाले वीडियोज़ में और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। थैंक यू।